ट्रिगर्ड इंसान बहुत ही बुरे इंसान है, ट्रिगर्ड इंसान ने मुझे ये बोल दिया, ट्रिगर्ड इंसान से मैं बहुत ही परेशान हूँ, ट्रिगर्ड इंसान के अंदर कोई दिमाग नहीं है, ट्रिगर्ड इंसान को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता करना, ट्रिगर्ड इंसान, ट्रिगर्ड, मैं पायल जोन नहीं हूँ, मैं ट्रिगर्ड इंसान हूँ। हाय गाइस, तो दोस्तों इससे पहले मैं कोई भी बात बोलूँ, मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं YouTube छोड़ के जा रही हूँ। जी हाँ गाइस, दोस्तों मैं YouTube हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बात मैं पहले ही 100 बार बोल चुकी हूँ वीडियो बना बना के। ट्रिगर्ड इंसान आप बहुत ही पागल हो, आप में वीडियो बनाने की बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं ये कह रही थी कि मैं YouTube छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि ठीक है ना, YouTube पर मुझे कोई पसंद तो करता है नहीं, सबके सब मुझसे नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सच बोलती हूँ ना, मैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स का रोस्ट कर देती हूँ, ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स का रोस्ट कर रखा है मैंने जिनको रोस्ट करने की कोई हिम्मत भी नहीं करता। रोस्ट से याद आया कैरेमिनाटी, आपको रोस्ट करना तो आता नहीं है, मुझसे सीख लो आके। ट्रिगर्ड इंसान, आई एम सॉरी, मैंने आपके ऊपर 20 वीडियोस बनाई और मैंने आपको गालियां भी दी, बट ट्रिगर्ड इंसान प्लीज डोंट टॉक अबाउट मी, एंग्री मुझे। हाँ तो सब मुझे हेट करते हैं, चलो ठीक है, आप लोग मेरे वीडियोस के ऊपर कमेंट करते हो कि मैं पागल जोन हूँ, मैं टट्टी जोन हूँ वगैरह वगैरह, नहीं वो सब ठीक है, वो सब मुझे समझ में आता है, लेकिन आप एक बात बताओ, अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो YouTube पे ये लोग कैसे हैं फिर? तो ये सब देख के इनको ऐसा लगा क्यों ना मैं भी इनके ऊपर थोड़ा कर लूं, तो उसके बाद हमारे भी व्यूज आ जाएंगे, हमारे भी सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। YouTube के ऊपर एक बंदी है कीर्ति ठाकुर के नाम से, इस बंदी ने 30-31 वीडियो मेरे ऊपर बना रखे हैं, पूरा YouTube का करियर इस बंदी ने मेरे ऊपर बना रखा है, मेरी हर वीडियो का रिप्लाई रिएक्शन देती रहती है और उसमें भी इतनी बकवास मारती है, मैं क्या बताऊं, मतलब आप देखो क्या है ये, क्या बना रखा है ये, क्या बकवास है ये। ये बंदी अपनी वीडियो में इतना बकवास करती है, अगर इसको मेहनत बोलेंगे तो फिर मेहनत को क्या बोलेंगे। मैं बोलती हूँ कि ठीक है, मैं सच बोलती हूँ, मैं दूसरों को एक्सपोज करती हूँ, तो मेरे से कर लो नफरत, लेकिन इतनी नफरत तो मत करो कि मेरे ऊपर एक चैनल ही बना दो मुझे गालियां देने के लिए, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने चैनल बना रखा है दूसरों को गालियां देने के लिए। भाई तेरे में और उसमें बहुत फर्क है। बाय द वे माय मिस आनंद, मुझे धमकाओ मत, माय मिस आनंद ने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया, और टेक्नो गेमर्स आपको तो गेम खेलना ही नहीं आता। तो मैं ये कह रही थी कि ये लड़की जो है ये इस तरह से वीडियो बनाती है कि 2 सेकंड के लिए तो ये अपनी बात बोलती है, उसके बाद ये एक 100 साल पुराना मीम डाल देती है और फिर ये उम्मीद करती है कि हम हंसेंगे। तो आप अपने चप्पल जूते उतारो और हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। इसको लगता है कि इसकी वीडियो देख के हमको हंसी आती है ना, लेकिन मुझे तो हंसी नहीं आती इसकी वीडियोस देख के, मेरे ऊपर ये वीडियो बनाती है, मेरी तरह ही ये वीडियो बनाती है और उसके बाद मेरी वीडियो का रिप्लाई करके उस पर रिएक्शन देती है और फिर मुझे ही बेकार बताती है, मतलब ये तो डबल दोगुलापन हो गया ना, इससे अच्छी तो मैं ही हूँ, कम से कम 2 गुली हूँ, इस लड़की की तरह 4 गुली तो नहीं हूँ ना मैं। इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो। सौरभ जोशी आप फेक हो, फ्लाइंग बीस्ट आपको फिर से एक्सपोज करने का वक्त आ गया है। हर्ष बेनीवाल आपको तो मैंने पिछले वीडियो में मार दिया था, अब अगले महीने आपको जिंदा करूंगी और उसके बाद फिर से आपको जलील करूंगी, और कौन बचा? आज तू ठोकेगा, आज ठोकेगा भाई, हे भगवान मैं तेरी शरण में आ रहा हूँ। हाँ और इस लड़की को तो रहने ही दो, क्योंकि इसके ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा यूट्यूबर समझते हैं मेरे को रोस्ट करने के बाद। लेकिन एक बंदा है जिसके बारे में मैं और बात करने वाली हूँ, और उस बंदे का नाम है टेक बर्गर। इस बंदे ने अपना नाम चेंज कर लिया, कुणाल का स्टाइल। अच्छा मतलब आप मेरा खौफ देख रहे हो, मैंने इस बंदे को एक्सपोज करने की क्या सोची, इसको रोस्ट करने की क्या सोची, इसने अपना नाम ही चेंज कर लिया। हेलो गाइस, सो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ट्रिगर्ड इंसान के बारे में, ठीक है। लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में आके पूछते हैं कि ये बंदा कौन है, आपका भाई है, आपका बीएफ है, आपका हस्बैंड है, कौन है ये? मुझे क्या पता कौन है ये, क्या है ये? आप इस बंदे का प्रोफाइल खोल के देखो, आप इसकी यूट्यूब सेक्शन खोल के देखो, बिल्कुल पूरा आपको मेरे चैनल का कॉपी दिखाई देगा आपको, मतलब थंबनेल से लेके वीडियो से लेके हर चीज इसने मेरी कॉपी कर रखी है, आपको बस मेरी फोटो की जगह इसकी फोटो दिखाई दे जाएगी। बेबी क्वीन डोंट वांट यू इज बेकार, पूप इमोजी। ऑल्सो बेबी क्वीन डोंट वांट यू इज अमेजिंग इन द सेम डे। गौरव जोन, मैं आपके लिए जस्टिस मांगूंगी, आप मेरे भाई हो, बल्कि वही गौरव जोन आपका जो गाना आया है बाप आया वो कम्प्लीटली बेकार है। दोस्तों इसने मुझे पूरी तरह से कॉपी कर लिया है, गाइस इस बंदे ने मुझे पूरी तरह से कॉपी कर लिया है, बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा है और माइक लगा के बोल रहा है तो क्या हुआ, इसने पूरा कंटेंट मेरा कॉपी किया है, बस अब मैं क्या ही बोलूं, है ना।
आप लोग मेरे को ना ज़्यादा सीरियसली मत लिया करो। ओके सो इस वीडियो में मेरे को यही सब बोलना था। बहुत अच्छा लगा मेरे को अपनी भड़ास निकाल के। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, इतना सब तो बोल ही चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। चलिए हेलो एवरीबॉडी, तो कैसी लगी आपको पायल जोन की पैरोडी पार्ट 2? आई होप आपको मजा आया होगा बहुत ज्यादा। पायल दीदी अगर आप ये वीडियो देख रही हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना आपको कैसी लगी। जिस बंदे के ऊपर पैरोडी बनी होती है अगर वो खुद कमेंट करके रिव्यू देता है तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हमने अच्छा काम किया है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए रांटी रोना चैनल और रांटी ब्लॉग्स को, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। आई होप यू शो आई एम सॉरी।